बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरी और सेशन कोच हूँ। अभी मैं कल ही आया हूँ दुबई से। हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन की। वहाँ पर जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती सेक्स की, पूरी दुनिया रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तान की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट भी किया और अपना मैंने पेपर भी वहाँ पर पढ़ा। तो वहाँ से बहुत लोगों को इलम दिया भी और बहुत सारा इलम हम जज्ब करके आए। तो उनमें से एक बात आज आप लोगों से शेयर करूँगा और उसका बताऊँगा कि इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे, जो चीज़ मैं वहाँ से लर्न करके आया मैं चाहता हूँ आप भी लर्न करें। हमारे चाइनीज एक सेक्सोलॉजिस्ट का ग्रुप था, उन्होंने एक रिसर्च वहाँ प्रेजेंट की कि जो प्री मेच्योर एजेकुलेशन का तल्लक जो है नफ्स की जो सेंसिटिविटी से वो क्या है। हमें आमतौर पे पता है कि जिन लोग प्री मेच्योर एजेकुलेशन के पेशेंट होते हैं उनके नफ्स में सेंसिटिविटी पाई जाती है, लेकिन हमारे चाइनीज भाई जो हैं उन्होंने आगे रिसर्च की। उन्होंने क्या रिसर्च की, उन्होंने कहा जी नफ्स को हम जो नफ्स आप उसकी सेंसिटिविटी है वो नफ्स के किस हिस्से में ज़्यादा है, क्या उसकी ग्लैंड्स यानी कि टोपी में ज़्यादा है या शैफ्ट में ज़्यादा है या कि दोनों में ज़्यादा है। उन्होंने जो बंदे सेंसिटिव थे उनको बुला लिया, उनके ऊपर तजर्बात किए, उनकी मेजरमेंट्स लिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बताता हूँ कि उन्होंने क्या रिजल्ट्स वहाँ से अखज किए अपनी रिसर्च में। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों का सिर्फ जो टोपी है वो सेंसिटिव होती है, कुछ लोगों का सिर्फ ज़्यादा जो शैफ्ट है डंडा वो सेंसिटिव होता है और कुछ लोगों में वन थर्ड में पूरे का पूरा नर्व जो है वो सेंसिटिव होता है। अब इस रिसर्च को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, पहले अगर आप देखते हैं कि आपके नर्व्स के अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो आप खुद कोई बारीक सा पर लें और आंखें बंद करके देखें कि टच करें कि आपका कौन सा एरिया ज़्यादा सेंसिटिव महसूस होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नफ्स ज़्यादा सेंसिटिव है, नफ्स का टोपी सेंसिटिव है या पीछे सेंसिटिव है। अगर सपोज आपकी जो नफ्स की टोपी है वो ज़्यादा सेंसिटिव पाई गई है तो जिसकी वजह से आपको प्रीमैच्योर एजेकुलेशन होता है, तो इसका मतलब है कि या तो आपको टोपी को रगड़ लगने से रोकें, ठीक है, वो कैसे रोक सकते हैं मैं अभी बताता हूँ, या उसके ऊपर आप जेल लगा लेते हैं जो डिसेंसिटाइज करती है, ज़ाइलोकिन जेल होती है, तो इसका मतलब आपको पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप टोपी पे लगा लेंगे आपका टाइम जो है उससे खासा बेहतर हो जाएगा। और कुछ सेक्स पोजीशंस भी होती हैं जिसमें आपकी टोपी जो है उसमें रगड़ नहीं खाती, मिसाल के तौर पर औरत का ऊपर आना, फीमेल स्पीरियर क्वार्टर पोजीशन, वो नफ्स आगे निकल जाता है तो वो टच नहीं करता, टोपी टच नहीं करती, इसका मतलब ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन है जिसकी टोपी ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मेल स्पीरियर क्वार्टर पोजीशन लें, मेल ऊपर आए तो उसमें टोपी जरूर टच होती है, वहाँ पर आप जल्दी सेंसिटिव जल्दी डिस्चार्ज कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अगर टोपी ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप अपने आप को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं सेंसिटिविटीज को। और इसी तरह आपकी अगर पिछला हिस्सा ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप पूरा नफ सेंटर ना करें, सिर्फ टोपी के साथ आप आगे पीछे हों, उसकी रगड़ दें, औरत को मज़ा आएगा और आपकी सेंसिटिविटी चूँकि पीछे ज़्यादा है तो आप डिस्चार्ज से बच जाएंगे। सो ये बातें चाइनीज़ भाइयों ने तो हमारे नहीं बताई थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। और डेफिनेटली बहुत अच्छी रिसर्च थी, मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया था, तो आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर बरकी की इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।